वक्त की सबसे बड़ी खबर और इसको लेकर तनाव बढ़ चुका है। ईरान ने इसराइल पर बड़ा अटैक किया, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है इसराइल ने। फौरन ड्रोन और मिसाइल से इसराइल पर हमला, और ये पहले से ही तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ईरान और इसराइल में भी जंग बेहद करीब है, और ये हो चुका है क्योंकि शुरुआत ईरान ने स्ट्राइक के साथ कर दी। और इसराइल हमेशा जाना जाता है कि बैकफुट पर नहीं जाना जाता है, और अगर उस पर अटैक हुआ तो पलटवार भी करारा करता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं अगर किसी भी देश ने इसराइल पर अटैक करने की हिमाकत की उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल की भी जानकारी मिल रही है, इसराइल ने कई मिसाइलों को मार गिराया है आयरन डोम से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आयरन डोम की, ये जो शोर है, ध्वनि है, वो सुना जा सकता है, सुन सकते हैं, क्योंकि हर तरफ बॉर्डर पर इसराइल ने अपने आयरन डोम को तैनात कर रखा है और कई मिसाइल्स को मार गिराया है इसराइल ने, ये दावा किया गया। तो इसराइल पर ईरानी हमले की तस्वीर, और देखिए फलस्तीन और इसराइल में लगातार जो है वो जंग चल रही है, तनातनी काफी बढ़ गई है, और दुनिया के कई देश अब इसमें कूद सकते हैं क्योंकि पहले ही शांति व्यवस्था कायम करने की मांग की जा रही थी। और देखिए गौर करिएगा टाइमिंग पर, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, फलस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है, अभी ईद खत्म हुई उसके बाद से अटैक किया गया इसराइल पर। अब इसराइल का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबको पता है अटैकिंग मोड पे इसराइल होता है, वो डिफेंसिव मोड नहीं अपनाता, क्योंकि किसी भी देश की संप्रभुता पर अगर खतरा हो और किसी भी देश पर अटैक होता है तो जवाबी कार्रवाई होती है। और दुनिया इस वक्त देख पा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है वो लगातार चल रही है, दूसरी तरफ इसराइल और फलस्तीन में चल ही रहा था, कई एक सेंटर बने हुए हैं हिजबुल्ला उस तरफ, तो ईरान इस वक्त इसराइल पर अटैक कर रहा है और इसराइल इस वक्त घिरा हुआ है, लेकिन अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और कई सारे जो कंट्रीज हैं वो भी खड़े हैं। चलिए अब सिनेरियो क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, गीता मोहन का रुख करेंगे हमारे साथ, हमारी सहयोगी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। गीता, ये जंग लगातार और भीषण होती जा रही है, अब ईरान इसमें कूद पड़ा है, अब देखने वाली बात होगी कि इसराइल का स्टैंड क्या होता है और इस वक्त क्या जानकारी है दर्शकों के लिए आपके पास? देखिए अभी तक जो जानकारी है वो यही है जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने डिटेल्स दिए हैं, उसमें उन्होंने ऑपरेशनल अपडेट दिया है जहाँ पर वो क्लियरली बता रहा है कि जो ईरान है, ईरान के अटैक जो हुए हैं उसमें कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर इसराइल अफेक्ट हुआ है, इसराइल को हिट किया है, क्योंकि इसराइल का आयरन डोम है, इस वजह से काफी सारे जो अटैक्स हैं वो अवर्ट कर चुके हैं, वो इसराइल के अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसराइल के अंदर घुस रहे हैं और माइनर डैमेज कह रहे हैं हुआ है इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंक्लूडिंग IDF के एक बेस को साउथ इसराइल में। भले ही गीता लेकिन माइनर हुआ होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से आने वाले वक्त में देखती हैं? देखिए डैमेज शायद माइनर हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि अब तक ईरान प्रॉक्सी वॉर्स करता आ रहा था हूतीज के थ्रू और जो हिजबुल्ला है उसके थ्रू हमास को सपोर्ट करते हुए, लेकिन ये पहली बार है जहां पर ऑफिशियली ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया है, यानी कि एक और देश इस युद्ध में जुड़ चुका है, और अब इसराइल का रिटेलिएशन ईरान की तरफ क्या होने वाला है वो देखना होगा, यानी कि इसे इस युद्ध में सबसे बड़ा और मेजर एस्केलेशन कहेंगे। इससे पहले इसराइल हमास से लड़ रहा था, इसराइल हिजबुल्ला और हूती से लड़ रहा था। तो जो शांति व्यवस्था की मांग की जा रही थी बाकी मुल्कों की तरफ से, क्या उसको इसी के साथ बड़ा झटका लगा है और दुनिया दो धड़ों में फिर से बटेगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या रुख होगा, रशिया क्या करेगा, ये सब कुछ देखना होगा गीता? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी कोई भी तैयार नहीं था और ना ही तैयार है एक कन्वेंशनल युद्ध के लिए, तो देखना ये होगा कि इसराइल का रिस्पांस क्या होता है, अमेरिका इसराइल को क्या कहता है और अमेरिका का खुद का रिस्पांस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ईरान के साथ चीन और रूस खड़े हैं, तो ये क्या फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है या फिर एक और लिमिटेड युद्ध की तरफ जहाँ पर इसराइल जवाब देगा
और ईरान फिर उसके बाद रुक जाएगा, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक है इसराइल के अंदर तो देखना होगा कि रिएक्शन और एस्केलेशन कितना बढ़ता है। लेकिन ये सही मायने में एक बहुत बड़ा एस्केलेशन इसलिए है क्योंकि अब इस युद्ध में इसराइल और हमास, इसराइल और गाजा, जो एक देश का दर्जा अभी तक नहीं मिला है फिलिस्तीन को, तो एक स्टेट और नॉन स्टेट एंटिटीज के बीच में लड़ाई थी। ये पहली बार है कि एक और देश जुड़ गया है इस लड़ाई में, तो काफी बड़ा एस्केलेशन माना जाएगा। और देखना होगा कि अमेरिका अब क्या रुख अपनाता है, इसराइल किस तरीके से जवाब देता है, और ये जानते हुए कि ईरान, रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं, क्या वेस्टर्न नेशंस के पास अभी वो बैंडविड्थ है कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध भी संभाले और इसराइल हमास का युद्ध भी। जानकारी मिल रही है कि इसराइल ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है फौरन। ठीक है गीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।